बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिजिक्स। सो स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वेव फंक्शन विच इज डिनोटेड बाय साई। तो आइए देखते हैं कि वेव फंक्शन क्या होता है। वेव फंक्शन साई सिंपली डिफाइन एज वेव फंक्शन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच हैव नो फिजिकल मीनिंग्स बट it gave us lot of information about quantum particle or microscopic particle या the dynamical state of a physical system may be represented by a wave function or state function which contain all the information like momentum, velocity, energy, finding probability that are need for that system। इस डिफिनेशन का मतलब क्या है, इससे पहले इस पिक्चर को देखें। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास कोई भी एक बॉल हो मिसाल के तौर पर, अगर उसकी हम पोजीशन को मालूम करें और इसकी मोमेंटम को मालूम करें एट ए टाइम, देन बाय यूजिंग दीज टू पैरामीटर वी कैन डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgx, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एक्स क्रॉस पी एंड वी इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम डिवाइड बाय मास। तो अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ये दो पैरामीटर को मालूम करें तो फिर इन दो पैरामीटर के बेस पर हम वेरियस इंफॉर्मेशन जो उस क्लासिकल पार्टिकल के साथ रिलेटेड हो उसको बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई क्वांटम पार्टिकल हो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो एट्सेट्रा, अगर उस पार्टिकल के लिए हम किसी तरीके से वेव फंक्शन को मालूम करें, साई को मालूम करें, तो फिर उस पार्टिकल के साथ जितने भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है लाइक मोमेंटम, वेलोसिटी, एनर्जी, इस सारों को हम प्रोबेबिलिस्टिकली मालूम कर सकते हैं। तो मतलब ये कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो रोल पोजीशन और मोमेंटम प्ले करता है वही किरदार जो है क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन प्ले करता है। अब मसला ये है कि वेव फंक्शन जो है इसकी तो बाई सिर्फ कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होती, तो फिर इस वेव फंक्शन को हम किस तरह ऑब्टेन करेंगे और फिर इसी वेव फंक्शन है से हम इंफॉर्मेशन को मीन्स मोमेंटम, एनर्जी, वेलासिटी जो एक पार्टिकल के साथ रिलेटेड हो उसको किस तरह ऑब्टेन करेंगे। तो याद रखिए इस वेव फंक्शन को 1926 में श्रोडिंगर ने एक डिफरेंशियल इक्वेशन से मालूम किया। उस इक्वेशन को हम बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लाइक इन दिस फॉर्म एंड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लाइक इन दिस फॉर्म। सो इट शुड बी रिमेंबर दैट द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज ऑब्टेन बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, वेयर एच इज ए प्लैंक कांस्टेंट एंड एच कट इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय 2 पाई डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई इक्वल टू ई साई। ये हमारे पास एक वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। इस इक्वेशन में टाइम का ऑपरेटर या टाइम मौजूद नहीं है, मींस इसकी वेव फंक्शन टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसकी टोटल एनर्जी टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर टाइम इंडिपेंडेंट है। सो इस वेव फंक्शन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई पार्टिकल हो उसकी एनर्जी और वेव फंक्शन टाइम पर डिपेंडेंट ना हो तो फिर उस पार्टिकल के लिए जो वेव फंक्शन को हम मालूम करते हैं उस इसी एक्सप्रेशन से या डिफरेंशियल इक्वेशन से मालूम करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो उसकी एनर्जी और वेव फंक्शन टाइम पर डिपेंडेंट हो तो फिर इसकी वेव फंक्शन को मालूम करने के लिए हम ये वाले एक्सप्रेशन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करेंगे विच इज आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल टी वेव फंक्शन साई इज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन इन स्पेस r and time equal to minus h cut square del operator square Laplacian square 2m mass of the microscopic object vrt potential energy operator and psi rt wave function which is a function of position and time। याद रखिए यह हम श्रोडिंगर इस इक्वेशन में और इसके डेरिवेशन में इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ इस वेव फंक्शन में इंटरेस्टेड है।
तो इस दोनों एक्सप्रेशन से हम वेव फंक्शन को मालूम करेंगे और फिर उसी वेव फंक्शन के साथ हम मैथमेटिकल टूल उसके साथ रिलेट करेंगे, मींस उस वेव फंक्शन की से जो है मैथमेटिकल गेम खेलेंगे और फिर उसी से हम वेरियस इंफॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड हो उसको हम मालूम करेंगे। याद रखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, ये हमारे पास मास अटैच्ड टू स्प्रिंग का डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हम ये वाला सॉल्यूशन अपडेट करेंगे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट विच वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर इसका अगर हम डेरिवेटिव ले रहे तो इसे हम मास अटैच्ड टू स्प्रिंग के लिए वेलोसिटी मालूम करेंगे। फिर इसी एक्सप्रेशन का अगर हम डबल डेरिवेटिव ले लें तो हम इससे मास अटैच्ड टू स्प्रिंग के लिए जो एक्सेलरेशन होता है उसका उसको मालूम करेंगे। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट को सॉरी वेलोसिटी को हम मास जो स्प्रिंग के साथ रिलेटेड है उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम ऑब्टेन करेंगे, इसी तरह अगर इसके साथ मास मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑब्टेन करेंगे। मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम सिर्फ एक्स को मालूम करें तो इसे हम वेरियस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टूल। इसी तरह हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है अगर वहां पर हम साई को मालूम करें तो इससे हम वेरियस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं। मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स में जो रोल इसका है वही रोल क्वांटम मैकेनिक्स में साई का है, लेकिन क्लासिकल पार्टिकल के साथ जो मैथमेटिक्स है ये वाला मैथमेटिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में जो मैथमेटिक्स है जो साई के साथ रिलेटेड है वो वाला मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब मसला ये है कि अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करें तो इससे हम वेरियस वेव फंक्शन ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि हम मालूम है कि हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है दोनों और डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास जो है वेरियस सॉल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं। तो अब इस वेरियस वेव फंक्शन में हमने वो मीनिंगफुल वाला जो इंफॉर्मेटिव वेव फंक्शन हो उसको हम किस तरह ऑब्टेन करेंगे। तो श्रोडिंगर ने कहा था कि हमारे पास अगर वेरियस वेव फंक्शन हो तो इस वेरियस वेव फंक्शन में सिर्फ वही वेव फंक्शन हमारे पास फ्रूटफुल होगा जो ये चार क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। मीन्स वो क्राइटेरिया क्या है, ये है वेव फंक्शन जो है जिसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन से मालूम करते हैं, ये वेव फंक्शन क्या होगा, ये हमारे पास फाइनाइट होगा और सिंगल वैल्यू होगा। ये वेव फंक्शन साई जो है ये और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा, ये साई जो है स्क्वायर इंटीग्रेबल होगा और ये वेव फंक्शन जो है जो श्रोडिंगर इक्वेशन से ऑब्टेन होता है वो क्या होगा, वेनिश होगा एट इंफिनिटी। नाउ दिस कंडीशन विच द वेव फंक्शन मस्ट ओबे आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कंडीशन एंड द वेव फंक्शन इज सेड टू बी विल बिहेव वेव फंक्शन। अब देखते हैं कि ये चार जो क्राइटेरिया है इसका मतलब क्या है, तो आइए देखते हैं। तो सिंगल वैल्यू फंक्शन क्या होता है, सिंगल वैल्यू फंक्शन सिंपल डिफाइन एज ए फंक्शन इज सेड टू बी सिंगल वैल्यूड, ए फंक्शन हैज सिंगल वैल्यू फॉर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस एक्सप्रेशन को देखें वाई इक्वल टू 4x, ये एक्स जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये वाई जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अगर एक्स इसकी जगह हम एक्स की वैल्यू 1 को पुट करें सो वी ऑब्टेन वाई इक्वल टू 4, अगर एक्स एक्स की जगह हम 2 को पुट करें सो वी ऑब्टेन वाई इक्वल टू 8, सिमिलरली इफ यू पुट एक्स इक्वल टू 3 सो वी ऑब्टेन वाई इक्वल टू 12। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसके लिए जो है डिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारे पास क्या है, एक है। तो इस किस्म के फंक्शन को कहते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन, हियर वाई इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इसको देखें वाई इक्वल टू स्क्वेयर रूट 2x। अब अगर यहाँ पर एक्स जो हमारे पास इंडिपेंडेंट है वाई हमारे पास डिपेंडेंट है, अगर एक्स की जगह वैल्यू हम पुट करें 50 सो वी ऑब्टेन वाई इक्वल टू 2 × 50 मीन्स अंडर द रूट 100 और अंडर द रूट 100 जो होता है वो प्लस माइनस 10 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक्स जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जगह हमने 50 को पुट किया लेकिन वाई में हमने ऑब्टेन किया प्लस माइनस 10। सो इट मीन दिस इज नॉट ए सिंगल वैल्यू, इट हैव रिजल्टेड टू वैल्यू, सो इट इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। सो दिस इज नॉट ए सिंगल वैल्यू फंक्शन एंड दिस इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिमिलरली वेव फंक्शन जो होता है वो फाइनाइट भी होता है, तो ए फंक्शन इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट गिव अस फाइनाइट वैल्यू ऑफ ईच वैल्यू ऑफ एक्स या थीटा। मिसाल के तौर पर इस यहाँ पर देखिए हमारे पास वाई एक फंक्शन है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स।
अगर इस एक्स की जगह हम जो भी वैल्यू पुट करें तो याद रखें वाई जो है हमें एक वैल्यू देगा और ये इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करेगा। मीन्स अगर इसकी जगह हम 1000 पुट करें 100 पुट करें सो वाई विल बी गिव अस एक यूनिक वैल्यू। सो दिस फंक्शन इज ए फाइनाइट फंक्शन, सिमिलरली दिस वन इज ए फाइनाइट फंक्शन। लेकिन अगर इस फंक्शन को देखें वाई को टू टेन एक्स, अगर यहाँ पर हम एक्स की जगह 90 को पुट करें तो ये वाई जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। सो दिस फंक्शन वाई इक्वल टू टेन एक्स इज नॉट ए फाइनाइट फंक्शन। सिमिलरली यहाँ पर देखिए हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन, एक फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस फंक्शन वो होता है जिसमें हम इस एक्स में जो भी वैल्यू को पुट करें और वाई जो है हमारे पास वो हर एक पॉइंट की एक वैल्यू देता हो। मीन्स इस फंक्शन में इस उसके ग्राफ में कोई भी ब्रेक ना हो तो उस फंक्शन को हम कहते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। यहाँ पर देखिए हमारे पास वाई क्या है, वाई इक्वल टू साइन एक्स, एक्स हमारे पास जो है एक वेरिएबल है। अगर हम एक्स की जगह वैल्यू पुट करें जीरो सो साइन जीरो इक्वल टू जीरो, अगर हम एक्स की जगह पुट करें 5/2 या 90 डिग्री सो साइन इक्वल टू 1। इसी तरह इस एक्स में आप जो भी वैल्यू पुट करें तो आपको वाई की एक वैल्यू मिलेगी और इसका जब आप ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ कंटिन्यूस होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं जिसका ग्राफ कंटिन्यूस हो। सिमिलरली कॉस एक्स जो है हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है। फिर से बोलिए। हाँ ना so, यहां पर हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्योंकि उसका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस है, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं है। लेकिन इसको देखिए y इक्वल टू टेन एक्स, अगर यहां पर हम x की डिफरेंट वैल्यू दे दें तो याद रखिए व्हेन x इक्वल टू 90 सो ये जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। मीन ये ग्राफ जो है ये डिसकंटिन्यूस बन जाता है। सो वाई को टू टेन एक्स जो है हमारे पास ये फाइनाइट भी नहीं है और ये कंटिन्यूस भी नहीं है हमारे पास। सो इसका मतलब है हमारे पास कोई भी फंक्शन हो जो कंटिन्यूस भी हो फाइनाइट भी हो और सिंगल वैल्यू हो तो वो फंक्शन होगा। लेकिन इसके लिए एक और क्राइटेरिया भी है जिसका नाम है सिंगल सॉरी स्क्वेयर इंटीग्रेबल वेव फंक्शन। अब स्क्वेयर इंटीग्रेबल वेव फंक्शन क्या होता है? सो वी नो दैट द स्केलर प्रोडक्ट फाई एक्स एंड साई एक्स इज गिवन बाय दिस वन। हमारे पास अगर कोई भी टू फंक्शन हो एक फाई हो या एक साई हो तो उसका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको हम इस तरह लिखते हैं और वही बराबर होता है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये फंक्शन का जो है हम कंजुगेट लेंगे और साई जो है उसको ऐसा ही रहने देंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शन। इफ द अबव इंटीग्रल डाइवर्ज स्केलर प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या मतलब? हमारे पास ये भी एक फंक्शन हो और ये भी एक फंक्शन हो और उसका हम इंटीग्रेशन वॉल्यूम करें और इन्फिनिटी को अप्रोच करें मीन डाइवर्ज हो जाए तो इसका मतलब ये है कि इसके स्केलर प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं है। लेकिन स्क्वेयर इंटीग्रेबल वेव फंक्शन क्या होता है? हमारे पास कोई भी एक वेव फंक्शन है दिस वन, अगर इसका हम कंजुगेट ले रहे मीन्स साई स्टेरिक इंटू साई, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करें और ये इंटीग्रल जो है इन्फिनिटी से लेस हो मीन्स फाइनाइट वैल्यू दे दे तो इस तरह जो फंक्शन होता है साई, इसको हम बोलते हैं स्क्वेयर इंटीग्रेबल वेव फंक्शन। तो स्क्वेयर इंटीग्रेबल वेव फंक्शन का क्या मतलब? सिंपल मीन्स हमारे पास ये फंक्शन है दिस वाला, अगर इसका हम कंजुगेट ले ले ये वाला और इस दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर उसका इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसका जो रिजल्टेड हो वो इन्फिनिटी से लेस हो तो इस तरह जो वेव फंक्शन होता है जिसका स्केलर प्रोडक्ट इन्फिनिटी से लेस होता है तो इस किस्म के वेव फंक्शन को कहते हैं स्क्वेयर इंटीग्रेबल वेव फंक्शन। तो याद रखिए एक विल बिहेव वेव फंक्शन के लिए लाजिमी है कि वो कंटिन्यूस भी हो सिंगल वैल्यू भी हो फाइनाइट भी हो और स्क्वेयर इंटीग्रेबल भी हो। इस प्रॉब्लम को देखिए सेलेक्ट द एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शन आर विल बिहेव वेव फंक्शन। तो हमारे पास ये फंक्शन है दिस इज साई इक्वल टू एक्स पावर एन, सेकंड फंक्शन है साई इक्वल टू ई पावर एक्स, थर्ड फंक्शन है साई इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, फोर्थ फंक्शन है साई इक्वल टू साइन एक्स, फिफ्थ फंक्शन है साई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर और सिक्स्थ फंक्शन है टेन एक्स। इस फंक्शन में हमने एक विल बिहेवियर फंक्शन को तलाश करना है।
अगर फर्स्ट में देखे हियर इफ यू पुट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी सो साई अप्रोच टू इन्फिनिटी सो हेंस एक्स एन इज नॉट ए एक्सेप्टेबल वे ऑफ फंक्शन। सिमिलरली सेकंड वन को देखे ई पावर एक्स, अगर यहाँ पर एक्स की जगह हम इन्फिनिटी को पुट करें तो एक्सपोनेंशियल पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो ये भी हमारे पास एक विल बिहेवियर फंक्शन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर देखे ई पावर माइनस एक्स, अगर एक्स की जगह हम पुट करें माइनस इन्फिनिटी सो ई पावर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा पावर, एक्सपोनेंशियल पावर प्लस इन्फिनिटी करेक्ट, और एक्स की जगह ई पावर पावर प्लस इन्फिनिटी का मतलब होता है इन्फिनिटी, सो ये भी हमारे पास एक विल बिहेवियर फंक्शन नहीं है। लेकिन फोर्थ वन को देखे साइन एक्स ऑसिलेट बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन सो इट इज एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। याद रखिए साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन जो है उसका मैक्सिमम आंसर वन होता है, मिनिमम आंसर माइनस वन होता है, तो इसका मतलब है कि ये वेव फंक्शन ये दो नंबर के दरमियान जो है ऑसिलेट करता है, मीन्स फाइनाइट होता है और कंटिन्यूस भी होता है, सो दिस इज ए विल बिहेव वेव फंक्शन। सिमिलरली अगर दिस पाई वन में हम इस एक्स की जगह हम पुट करें माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, तो याद रखें ई पावर माइनस इन्फिनिटी जो है हमारे पास किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ये वेव फंक्शन जो है ये भी हमारे पास एक विल बिहेव वेव फंक्शन है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक्स की जो भी वैल्यू पुट करें तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करेगा। सिमिलरली साई को टू टेन एक्स, अगेन यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू का हम 90 को पुट करें तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, सो दिस इज नॉट ए विल बिहेव वेव फंक्शन। सो हमारे पास विल बिहेव वेव फंक्शन कौन कौन से है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए वेव फंक्शन, तो इसमें आप लोगों ने वेव फंक्शन को तलाश करना है। तो वेव फंक्शन क्या होता है जो फोर क्राइटेरिया को ओबे करता हो, तो याद रखिए यहाँ पर जो साइन एक्स है हमारे पास वेव फंक्शन है क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करता, ये 90 डिग्री पर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ये जीरो पर अप्रोच करता है इन्फिनिटी को और ये 90 पर अप्रोच करता है, सो ओनली दिस वन इज ए विल बिहेव वेव फंक्शन। एमसीक्यू नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन कंटिन्यूस होता है, yes, ये भी करेक्ट है, सिंगल वेव ये भी करेक्ट है, डिफरेंशियबल ये भी करेक्ट है, लेकिन इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि वेव फंक्शन फिजिकली जो है उसकी कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होती, सो करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यूज इज ऑप्शन डी। नाउ सम वेल नोन वेव फंक्शन ऑब्टेंड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अगर श्रोडिंगर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करें, हमें मालूम है कि हाइड्रोजन एटम में एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके अराउंड मूव करता है, अगर इस एटम के लिए हम वेव फंक्शन को मालूम करना चाहे हाइड्रोजन एटम के लिए तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ करेंगे और फिर उसका जो सोल्यूशन होगा श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा पर हाइड्रोजन एटम वो क्या होगा, द वेव फंक्शन साई 100 ई वन जो है शो करता है एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ई जीरो शो करता है इज म्यूचुअल क्वांटम नंबर और ई जीरो जो है शो करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सो दिस शो एन एल एंड एम, सो फॉर हाइड्रोजन एटम विद इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस एन एन इक्वल टू वन शेल द वेव फंक्शन विल बी व्हाट, 1/5 square root मल्टीप्लाइड बाय जी विच इज द चार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस एन नॉट इज ए कॉन्स्टेंट which is equal to 0.53 × 10⁻¹⁰ meter, 3/2 exponential minus ZR by NR. So this is the wave function for hydrogen atom when hydrogen atom present in N equal to 1 shell. But when hydrogen atom present in N equal to 2 or second shell and P state, then the wave function for hydrogen atom will be this one. तो अगर हम P state के लिए Schrödinger equation को solve करें तो उसका जो wave function होगा hydrogen atom के लिए वो ये होगा। सिमिलरली वेन वी हैव पार्टिकल इन थ्री डायमेंशन बॉक्स, हमारे पास कोई भी एक बॉक्स हो और उसमें एक पार्टिकल मूव करता हो तो उस पार्टिकल के लिए जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, साई एन एक्स इन टू एन वाई एन जी इक्वल टू 8/ABC वेयर ए बी सी शो द विड्थ हाइट एंड लेंथ ऑफ द क्यूब बॉक्स, साइन एन पाई एक्स बाई ए, साइन एन पाई वाई बाई बी एंड साई एन पाई जी बाई सी, so this is the wave function for a particle in a three dimensional box. Similarly हमारे पास कोई भी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, जिस तरह हमें मालूम है कि हमारे पास जितनी भी एटम है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करते हैं, तो उस ऑसिलेटर के लिए जो वेव फंक्शन होगा बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो ये वाला होगा।
नाउ इस प्रॉब्लम को देखे शो दैट द वेव फंक्शन साई एक्स रिप्रेजेंट ए विल बिहेव वेव फंक्शन। हमारे पास ये एक वेव फंक्शन है, हमने शो करना है कि विल बिहेव वेव फंक्शन है। तो याद रखिए ए साइन फंक्शन ऑलवेज सिंगल वैल्यू फाइनाइट एंड कंटिन्यूस टू चेक द फंक्शन इज स्क्वायर इंटीग्रेबल आर नॉट। तो याद रखिए इस फंक्शन के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी स्क्वायर इंटीग्रेबल को मालूम करना है। इसके जो है स्क्वायर इंटीग्रेबल हम मालूम करेंगे, अगर इसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट होता है इन्फिनिटी से लेस होता है तो इसका मतलब ये कि वेव फंक्शन जो है हमारे पास स्क्वायर इंटीग्रेबल है। अगर इसका वेव फंक्शन हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो दिस विल बी नॉट ए स्क्वायर इंटीग्रेबल वेव फंक्शन। तो हमें मालूम है कि स्क्वायर इंटीग्रेबल कंडीशन क्या होता है, लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हियर द लिमिट इज 0, 3, दिस इज द जनरल लिमिट्स एंड दिस आर पार्टिकुलर लिमिट इन दिस केस। सो लिमिट फ्रॉम 0 to 3 एंड साई एक्स टी मॉड स्क्वायर इन टू डी एक्स, इसका क्या मतलब है, वेव फंक्शन लेंगे और उसका कंजुगेट लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स प्रॉबिलिटी डेंसिटी मालूम करेंगे। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ साई विच ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी हेयर वी ऑब्टेन 0 to 3 साइन स्क्वेयर पाई एक्स बाई 3, बट वी नो दैट फ्रॉम ट्राइगनोमेट्रिक आइडेंटिटी कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पर साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू को पुट करें, सो वी ऑब्टेन 1/2 0 to 3 माइनस 1/2 0 to 3 कॉस 2 पाई एक्स बाई 3 विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन एक्स। सो अगर इसको हम सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें सो वी ऑब्टेन द इंटीग्रेशन रिजल्ट इज 3/2 विच इज लेस देन इन्फिनिटी। सो इट मीन्स दिस वेव फंक्शन इज ए विल बिहेव फंक्शन बिकॉज इट इज ए स्क्वेयर इंटीग्रेबल बिकॉज इट कन्वर्ज इट्स वेव लेस देन इन्फिनिटी। थैंक यू।